Assalamu alaikum to all my viewers and my dear students. This is part 3 vectors. Previously humne dekha various types of definitions in vectors etc. Today we are going to have laws of vectors. Laws of vectors mein hame milta hai parallelogram law of vectors, triangle law of vectors aur fir hota hai polygon law of vectors. हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे. पहले हम लेंगे पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर्स. इसकी स्टेटमेंट क्या है? यूं है, ऐसा बोलता है, इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग साइमल्टेनियसली एट ए पॉइंट बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड completely in magnitude and direction by the diagonal of that parallelogram passing through that point. ये कहना क्या चाहता है? We will discuss over here. मर थोड़ा हम common man's language की बात से इसको प्रूफ करने की पहले कोशिश करेंगे, फिर इसका प्रूफ एक्स्ट्रा मैथमेटिक्स वगैरह क्या होता है, कैसे होता है, बुक्स लैंग्वेज क्या है, और पहले हम देखेंगे एक कॉमन मैन कैसे इसको कर सकता है, ये क्या कैसे इसको अंडरस्टैंड कर सकता है, व्हाट द मैसेज डज इट कन्वे, इसका सीक्रेट बेसिकली क्या है, उसके बाद हम इसका मैथमेटिकल प्रूफ एक्स्ट्रा करेंगे. मान लीजिए यहां पर एक पत्थर है. डेफिनेशन के हिसाब से ये पॉइंट, इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट, इफ टू वेक्टर्स, ये दो वेक्टर्स है acting at a point, be represented in magnitude and direction, be represented in magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram, ye do sides ban gaye parallelogram ke, then their resultant is represented completely in magnitude and direction by the diagonal of that parallelogram. Maan lijiye main kahun yahan par, main yahan par example hum lete hain, 50 newton ye hai और ये 30 न्यूटन है. फोर्सेस मैं ऐसे लेता हूं, ये 50 न्यूटन लिया, मैंने 30 न्यूटन लिया यहां पर लिया. अब ये पत्थर है यहां पर, इसको कोई 50 न्यूटन से खींच रहा है, कोई 30 न्यूटन से खींच रहा है. दिस इज अ क्वाइट एविडेंट प्रॉब्लम ये हमारे साथ हो सकती है. एक पत्थर है किसी कंपाउंड में, किसी कंपाउंड में एक पत्थर है. आप यहां पर एक जो एक व्हाइट मार्क डाल दीजिए किसी इस कंपाउंड पर, और यहां पर एक पत्थर रख लीजिए. मान लीजिए उसके नीचे एक पॉइंटेड एक पत्थर रख लीजिए, और कोई इसको यहां से खींचता है, कोई यहां से खींचता है, मगर बॉडी जो है वो ना यहां से जाएगी ना यहां से, सॉमवट यहां से जाएगी, कहीं से जाए, कहीं और से जाएगी यहां से. तो डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ फोर्सेस क्या है. दैट मींस ये जो दो फोर्सेस यहां पर, वी कैन रिप्लेस दीस टू फोर्सेस बाय अ सिंगल फोर्स. फोर्स फोर्स की मैं वर्ड यूज करता हूं क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, और फोर्स कॉमन मैन को क्विक समझ में आता है, उसको एक्सेलरेशन मोमेंटम वगैरह ये पता नहीं होता, मगर ये फोर्स उसको थोड़ा दिमाग में आता है क्विक. ये कहना क्या चाहता है, दो फोर्सेस है, यहां पर एक फोर्स, यहां पर एक फोर्स, दोनों दो आदमी इस फोर्स इस पत्थर को खींच रहे हैं, तो पत्थर यहां से गया, पत्थर यहां से गया. क्या हम पहले ही बता सकते हैं ये जो एपिसोड हो रहा है प्रैक्टिकली, क्या मैं ऐसे ही बता सकता हूं पहले ही ज्योमेट्रिकली कि वो किस एंगल से किस एंगल पर जाएगा, और इन दो फोर्सेस को कौन सा एक फोर्स रिप्लेस करेगा, कौन सा एक फोर्स. मैं चाहता हूं कि इन दो आदमियों के बल्ले एक ही आदमी हो. क्या वो अगर ये 50 न्यूटन है और ये 30 न्यूटन है, क्या वो होगा बराबर 50 प्लस दिस 30 न्यूटन? ना ना, ऐसा हम नहीं कह सकते. ये ऑर्डिनरी ये नहीं है, ऑर्डिनरी अलजेब्रा नहीं है. स्केलर और वेक्टर में जो मेजर डिफरेंस होता है, अगर मैं शॉर्ट में कहूं मेजर डिफरेंस क्या होता है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि वेक्टर्स में एंगल का प्रोमिनेंट रोल होता है, प्रोमिनेंट रोल वेक्टर्स में एंगल का खास रोल होता है, जबकि स्केलर्स में ऐसा नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल वॉट आई मीन टू से, मान लीजिए कोई मुझे कहेगा 5 मीटर प्लस 3 मीटर, मैं बोलूंगा 8 मीटर. कोई बोलेगा 10 kg प्लस 5 kg, मैं बोलूंगा 15 kg. मगर कोई बोलेगा 10 न्यूटन प्लस 20 न्यूटन, ना मैं नहीं कह सकता हूं 30 न्यूटन, ऐसा नहीं, ये प्लस मैं नहीं कर सकता हूं इस तरह. इसमें
ऑर्डिनरी अलजेब्रा नहीं हो सकती. मैं बोलूंगा इनको प्लस करो, नहीं आपको क्रॉस क्वेश्चन करना है कि एट व्हाट एंगल डू दे एग्जिस्ट या एट व्हाट एंगल डू दे एक्ट, कहां पर एक्ट करते हैं. आप उनको डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते हो. इसमें ये जो होता है वेक्टर लॉज अलग से लगते हैं. हम ये नहीं कह सकते, मैं अगर बोलूं कहीं पर फॉर एग्जांपल 50 न्यूटन और 30 न्यूटन है, मैं आपसे बोलूं कि नहीं इनका एडिशन बता ये कितना होगा, आपको पहले बोलना है किस एंगल पर एक्ट कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली उनका एडिशन होगा एज पर वेक्टर लॉज. तो यहां पर हम देखते हैं, मान लीजिए ये मैंने 50 न्यूटन लिया और 30 न्यूटन लिया. आपको क्या करना है घर में, सो माई डियर स्टूडेंट्स, वॉट यू आर सपोज टू डू एट योर होम रेस्पेक्टिव होम्स, आप ऐसा कीजिए 50 न्यूटन आप 5 सेंटीमीटर यहां पर लाइन डाल दीजिए, 50 न्यूटन आप 10 न्यूटन को रिप्रेजेंट कर दीजिए 1 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 50 न्यूटन कितना हुआ 5 सेंटीमीटर. इसी तरह 30 न्यूटन कितना हुआ 3 सेंटीमीटर, दैट मीन्स ये 5 सेंटीमीटर लाइन लीजिए, ये 3 सेंटीमीटर आप लाइन ले लीजिए. घर में आप ऐसा करें, ये 50 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर की आप लाइन ले लीजिए. इससे क्या होगा, फिर आप इसको कंप्लीट कर लीजिए, पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर लीजिएगा लाइक दिस. दैट मींस ये भी फिर इस तरह होगा, 3 सेंटीमीटर आपकी, मैं लिखो यहां पर 30 न्यूटन है, ये तो 50 न्यूटन है, मगर आपके लिए ये 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर की लाइन बनेगी लाइक दिस, 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर. आपको क्या करना है, ठीक. तो आप जब इसको फिर आप जब आप इसको कंप्लीट करोगे, आपको यहां पर आप रिजल्टेंट आप मेजर करिएगा, रिजल्टेंट जब आप रिजल्टेंट मेजर करोगे तो आपको यहां पर ये 70 न्यूटन मिलेगा. 70 न्यूटन नहीं, बेसिकली आपको ये अगर ये 5 सेंटीमीटर है 3 सेंटीमीटर, आपको ये 7 सेंटीमीटर मिलेगी, डेफिनेटली ऐसा ही होगा 7 सेंटीमीटर. फिर हम इसका मैथमेटिकली थ्रू ये मैथमेटिकल प्रूफ देंगे, जो कि पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर से रिजल्टेंट निकलता है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन निकलती है, हम मैं उसके बारे में बाद में बात करूंगा. फिलहाल मैं कॉमन मैनस लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर्स इन ए कॉमन मैनस लैंग्वेज, उसकी मैं बात कर रहा हूँ. अगर मैंने 15 या ये 30 लिया और यहाँ पर सॉरी मैंने एंगल की बात नहीं की थी, यहाँ पर मैंने 60 डिग्री एंगल रखा है, 60 डिग्री एंगल, ये एंगल मुझे पता नहीं है. मैंने 50 न्यूटन लिया 30 न्यूटन लिया एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री. जब मैं इसको कंप्लीट करूंगा, इस पैरेललोग्राम को मैं कंप्लीट करूंगा, तो जब मैं देखूंगा ये लाइन, ये ऑटोमेटिकली आपको क्या मिलेगी 7 सेंटीमीटर, क्योंकि आपने ये लिया था 10 न्यूटन लिया था 1 सेंटीमीटर के बराबर, दैट मीन्स जो 7 सेंटीमीटर होगा वो 70 न्यूटन के बराबर है. इसका मीनिंग क्या हुआ, 70 न्यूटन के बराबर क्या होगा. और वन मोर थिंग, यहां पर जो हम ये एंगल मिलता है, ये एंगल जिसको कि अल्फा हम कहते हैं, ये आपको मिलेगा 21.5 डिग्रीज, ऐसा कुछ मिलेगा. आप प्रोटेक्टर से इसको चेक कर सकते हो. दैट मींस कि अगर मेरे पास अगर मैं एक कंपाउंड में लाइंस दो डालूं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और यहां पर एक पत्थर रखूं, और यहां पर मैं 50 न्यूटन से खींचूं, यहां से मैं 60 न्यूटन से 30 न्यूटन से खींचू एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, दैट मीन्स पत्थर यहां से जाएगा. पत्थर जब यहां से जाएगा मीन्स यहां से जाएगा. अगर मैं इसको पैरेललोग्राम बनाऊं यहां पर, तो ये जो ये लाइन होगी, ये लाइन मुझे 7 सेंटीमीटर की मिलेगी. दैट मीन इट इज अप टू यू, सेंटीमीटर में मत बात कीजिए, आप मीटर्स में बात कीजिए, आपकी मर्जी है, व्हाटएवर आपको जो कन्वीनियंट यूनिट लगे उस हिसाब से. मगर अगर मैंने 1 सेंटीमीटर, अगर कॉपी पर मुझे बनाना है कॉपी पर, तो मैंने 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर एक्टिंग एंड एंगल ऑफ 60 डिग्री. अगर मैं इसका ये देखो रिजल्टेंट कितना निकलता, आपको 7 सेंटीमीटर मिलेगा. मगर चूंकि आपने 10 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर के बराबर रखा था, दैट मीन्स 7 सेंटीमीटर 7 न्यूटन के बराबर होगा. इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो दो फोर्सेस है, ये दो फोर्सेस है जो एक्ट कर रहे थे 60 डिग्री पर, अगर मैं चाहूं कि एक ही आदमी को मैं रिप्लेस करूं, इन दो के बदले में एक ही आदमी को मैं रिप्लेस करूं, तो वो कितने न्यूटन का होना चाहिए, वो 70 न्यूटन का होना चाहिए. ऐसा नहीं कि 50 प्लस 30 इज इक्वल टू 80, ऐसा पॉसिबल नहीं है. इसमें डायरेक्ट एलजेब्रा का रूल नहीं होता है, इसमें वेक्टर एलजेब्रा चलती है, वेक्टर रूल्स चलते हैं. तो
जबकि स्केलर्स में डायरेक्ट हम ऐड करते हैं. तो यहां पर देख लीजिए आप, 50 प्लस 30 नहीं हुआ, यहां पर 80 नहीं निकला. इसी तरह जब आप इसको प्रोटेक्टर से चेक करिएगा, आपको 21 पॉइंट या 21 22 समथिंग इसी के बीच में आपका ये एंगल मिलेगा. लाइकवाइज दैट मींस कहीं पर भी कोई वेक्टर आपके पास हो, अगर आपका इसमें फॉर एग्जांपल 100 न्यूटन हो, 200 न्यूटन हो, एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री या समथिंग, दैट मींस यू नीड नॉट टू गो फॉर दिस इक्वेशन. देन जो कि हम बुक्स पर फिर प्रूफ करते हैं कि आर इज इक्वल टू रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा, या अल्फा इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा डिवाइड बाई पी प्लस क्यू कॉस थीटा. इसकी हमें, मैं बोलता हूँ डेली लाइफ में हम इसके बगैर भी ये कर सकते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ दिस. मगर फिर हम जब नेक्स्ट प्रूफ दिखाएंगे इसका, इसके इस हिसाब से भी अगर मैं इस पर ये यहां पर पी के बल्ले यहां पर 50 रखूं, क्यों के बल्ले 30 रखूं, और वहां पर पी क्यों कॉस थीटा के बल्ले 60 रखूं, आपको 100% यहां पर भी 70 मिलेगा आंसर, 70 न्यूटन. और यहां पर जब अल्फा के क्यों के बल्ले में यहां पर 30 रखूं और पी के बल्ले में 50 रखूं, फिर इसमें यहां पर थीटा के बल्ले फिर 60 रखूं, आपको यहां पर भी 100% 21.4 ये मिलेगा आंसर आपको. सो वी कंक्लूड ओवर हियर विद द विश, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ. अस्सलाम वालेकुम.